ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष एमएस बिट्टा ने जम्मू कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के केंद्र की मोदी सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उन्हें कहा कि जम्मू कश्मीर से 370 हटाया जाना मोदी सरकार का एक सराहनीय और साहसिक कदम है। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान एमएस बिट्टा ने कहा कि 370 जम्मू कश्मीर के लिए कैंसर की तरह था जो पूरे राज्य को खोखला और कमजोर कर रहा था। उन्हें कहा कि 370 हटाए जाने के बाद अब राज्य का तीव्र गति से विकास होगा। ये सरकार ने 70 साल की कैंसर की बीमारी जड़ से उखाड़ दी। नया भारत, नई आज़ादी, संविधान एक, भारत एक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बना तिरंगा झंडा एक, संविधान एक। 70 साल की कैंसर की बीमारी को उखाड़ दिया। भारत एक होगा, राष्ट्र एक होगा और संविधान एक होगा, जनगण मन एक होगा। मैं ये मानता हूँ कि इससे हमारे आने वाले वक्त में टेररिज्म के ऊपर बहुत बड़ी लगाम लगेगी और टेररिज्म बहुत कंट्रोल में आया है और कंट्रोल में आएगा। पर यह ज़रूर कहूँगा कि आने वाले वक्त के अंदर 2 साल के बाद जब जम्मू कश्मीर के हालात बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे तो कई पॉलिटिकल पार्टियों को यह सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने पीछे राज किया हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो या सीपीएम हो या सीपीआई हो, हम भी उसमें शामिल हैं। क्योंकि 70 साल में आपने क्या किया, हमारे जवानों की शहादत होती है, हमारे खून पसीने का पैसा कश्मीर में लगता है, हमारे जवानों पे पत्थरबाजी होती है, 70 साल में ये मसला हल क्यों नहीं हुआ जो अभी किया गया, ये सवाल पूछे जाएंगे। अब ऑक्यूपाई कश्मीर की जहाँ तक बात है, हमें उम्मीद है कि ऑक्यूपाई कश्मीर भी जल्दी लेके रहेंगे और हिंदी दिवस के ऊपर पिछले जो गया है 2-3 दिन पहले, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, इसमें हिंदू से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हमें फ़र्क है, फ़ख्र है। पंजाब की हमारी राष्ट्रभाषा, हमें फ़र्क है। हिमाचल की हमारी स्टेट की भाषा है, हमारी सब स्टेट की भाषा, हमें उसमें गर्व है, फ़र्क है, उसमें अलग मिठास, अलग चीज़ है। पर एक भाषा होनी हिंदुस्तान के अंदर कानून बनना ज़रूरी है, वो हिंदुस्तान के अंदर हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। अगर हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं होगी तो कल को फिर देश के अंदर फिर थोड़ा थोड़ा अलग थलग होने की बात आ सकती है। जब हिंदी राष्ट्रभाषा एक होगी 370 धारा के बाद, हमारा राष्ट्र और मजबूत होगा।